आप लोग उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज फिर हाजिर हूँ अपने शशकों के साथ। आज के जो शशक है वो हमेशा की तरह सुपर डिलिशियस, सुपर डिलिशियस और सुपर इजी है। जी हाँ, आज की रेसिपी बहुत मजेदार और शानदार होने वाली है, तो जरूर देखिएगा और पसंद कीजिएगा। आज मैं जो है अपना व्लॉग वो रात में बना रही हूँ, क्योंकि दिन का मैंने नहीं बनाया। आज दिन में जो है वो लाइट भी नहीं थी, वो हम सबके पास नहीं थी, क्योंकि कल जो है पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था, जो इस वजह से किसी के पास भी लाइट नहीं थी। हम जैसे फ्लैट्स में रहने वालों के पास तो आज पानी भी नहीं था। तो मेरे ख्याल से जो फ्लैट्स वाले वो एग्री करेंगे कि अगर थोड़ी लंबी लाइट चली जाए तो उनके पास पानी नहीं आता, ये इशू रहता है। तो मैंने देखे पीछे शायद इधर साइड में आपको मेरी देखची भी नजर आई, मैंने अपना आगे का भी बंदोबस्त करके रखा हुआ है। तो बस दिन में जो था वो मैंने घर के कामों को प्रिफेयर किया और सोचा कि जो लेफ्ट ओवर रखे हुए यानी कि बचा हुआ जो खाना है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और अभी नहीं बनाऊंगी, रात में बताऊंगी अपनी ब्यूटीफुल को रेसिपी। तो इस वजह से मैं जो है वो अभी ब्लॉग बना रही हूँ और अभी रेसिपी की वीडियो बना रही हूँ। तो बस मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इसी तरह ही प्यार करते रहें जैसे आप लोग कर रहे हैं, और मेरी वीडियोस को भी पसंद करते रहें, मुझे पसंद करते रहें, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बोलें कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा बक बक चिक चिक कर लिए, तो अब उसके बाद अब रेसिपी की तरफ चलते हैं और मुझे फॉलो करें। तो जी जनाब, मैं हाजिर हूँ अपनी रेसिपी के साथ अपने किचन में। आज मैं बना रही हूँ ताहेरी, ताहरी भी कहो या आलू चावल कहो, ठीक है, तो बड़ी मजेदार बनती है और झटपट बन जाती है। तो बस हर तकरीबन हर घर में ही बनती होगी, सबको रेसिपी पता है, तो तब भी मैं बता रही हूँ चीजें क्या इसमें इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, मैं आलू डाल रही हूँ। आलू आप अपनी मर्जी से दिल ठोक के जितना डालना चाहो डालो, ठीक है, आपके घर में जितने खाए जाते हो। हम मेरे घर में सब पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो है चार पांच आलू ले लिए थे, उनको पील ऑफ कर लिया था, इनके छील लिया था और उनको इतने बड़े साइज के टुकड़ों में काट लिए, ठीक है। या मैंने दरमियाने दो प्याज लिए हैं जो स्लाइस कर दिए हैं, चॉप टमाटर कर लिए हैं मैंने, दो बड़े ले लिए थे, सही है। और ये हमारे चावल, हरा धनिया, पुदीना ये मैंने स्लाइस की हुई, यहाँ पे मिर्च रखी हुई है, अदरक लहसुन ये मैंने कूटा हुआ है, आप लोग पिसा हुआ इस्तेमाल करना चाहें कर लें, मैं कूटा हुआ इस्तेमाल करती हूँ, मुझे इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है, सही है। अब मसालों की तरफ में आ जाते हैं। ये हमारा गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला जो हर घर में मौजूद होता है, नॉर्मली वही वाला गरम मसाला है, ठीक है। और यहाँ मेरे पास रखा हुआ ये कूटा हुआ धनिया, हल्दी, कूटी हुई लाल मिर्च और ये कूटा हुआ जीरा, ठीक है। तो बस ऑयल जो है वो मैं अपनी देगची में डाल चुकी हूँ। तो जी जनाब, मैंने ऑयल में जो है हमारा मिक्स गरम मसाला जो था साबुत वो मैंने डाल दिया था, और उसमें मैंने प्याज डाल दिए। अब ये हल्की गुलाबी हो गई है, इसको थोड़ा सा और ब्राउन करूंगी, फिर मैं अदरक लहसुन डालूंगी, नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ जनाब। तो जी जनाब, हमारी जो प्याज है वो गुलाबी से थोड़ी ब्राउन होने लगी है, और मैंने इसमें शामिल कर दिया है हमारा कुटा हुआ जो था अदरक लहसुन का पेस्ट, वो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ हमारे मसाले जात, ये रहे, सही है। अब मैं इनको भूनूंगी, ठीक है, और फिर अपना नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी मेरे। तो जी जनाब, हमारे मसाले जो थे वो भुन गए थे, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी, ठीक है, वो मैंने डाल दी थी भूनने लगे, तो उसमें मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक कप पानी, ठीक है, वो इसलिए शामिल कर रही हूँ कि मसाले जो हैं वो जल ना जाएं और आलू जो हैं वो गल जाएं, सही है, मेरे साथ साथ रहें। तो जी जनाब, हमारे जो है 80% आलू जो गल गए हैं और पानी भी इनका जो है खुश्क हो रहा है। अब मैं इस स्टेज पे डालूंगी जो मैंने चॉप किए हुए टमाटर थे, स्लाइस हरी मिर्च, अब मैं ये इसमें डाल दूंगी और इनको थोड़ा भूनूंगी और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी अपना मेरे। तो जी जनाब, हमारे जो मसाला है वो भुन गया है, टमाटर भी गल गए हैं, आलू भी गल गए हैं और सारा मसाला भुन गया, ऑयल ऊपर आ गया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हमारे चावल, ठीक है, मैं चावल में पानी इतना नहीं है, सही है, पहले मैं चावल मिक्स करूंगी, देन मैं पानी डालती हूँ, ठीक है। तो अब मैं इन चावलों को मिक्स करती हूँ और पानी शामिल करती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आप लोगों को मेरे। तो जी जनाब, हमारा पानी जो है वो अब खुश्क होने लगा है, मैंने चावलों में पानी डाल दिया था, नमक भी डाल दिया था, और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ हमारा ये कूटा हुआ जीरा जो मैंने रखा हुआ था साइड पर, अब मैं डाल देती हूँ, और हमारा हरा धनिया, पुदीना और ये प्याज भी हरी मिर्च स्लाइस करके रखी हुई थी वो मैंने शामिल कर दिए। अब मैं इसको देती हूँ दम और फिर आती हूँ वापस आपको फाइनल इसकी शक्लो सूरत दिखाती हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा। तो जी जनाब, हमारी फाइनल सर्विंग रेडी है, आलू ताहरी या आलू चावल जो कहना चाहें आप इनको, इसकी खूबसूरती चेक करें आप, ये देखें है ना ये मजेदार और शानदार और बाकमाल। तो जी ये जो है इसके शशके हैं,
मैं सर्व कर रही हूँ इसको अपनी लहसुन की रेड चटनी के साथ। इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये हमारा रायता, कचूमर सलाद, वाह वाह वाह। और जी ये मैंने कुछ और वेजीज काट के रखी हैं, बच्चे ये नहीं खाते हैं तो ये जरूर खाएंगे, ठीक है। तो बस ये हम मॉम्स की क्वालिटी होती है कि हम सिंपल से फूड को ऐसे एफर्ट्स के साथ यमिलिश बना लेते हैं। तो बस आज मैंने भी यही किया है, एक सिंपल से फूड को अपने शशकों के साथ पेश किया है। और बस ये छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं जो आप अपनी फैमिली के लिए करते हैं, तो बस ये आपकी मोहब्बत जताते हैं अपनी फैमिली के साथ कि आप उनको कितना मज़ेदार खिलाना चाहते हैं। खैर कुछ ज़्यादा ही हो गया, आप इसकी खूबसूरती में ज़रा और करीब से चेक करवा देती हूँ। ये लो चेक करो भाई, ये लो भाई देखो, ये देसी मोम के शशके हैं ये। जी देसी मोम के कोई घट बात है क्या भाई, घट बात थोड़ी क्या है, देसी मोम के शशके। तो चले बस आगे मेरे साथ साथ रहिएगा। तो आज क्यों ना बच्चों से रिव्यू ले लिया जाए, ये इतने बड़े बड़े मेरे हाथ से खा रहे हैं। तो जी उषी कुछ बोलेंगी? अच्छा है। और जी ये अम्मा के हाथ से खा रहे हैं ये दोनों। और ये आज हमदान की पसंद पे बना है भाई, हमदान की फरमाइश पे। तो हमदान जी आप रिव्यू तो दें अपना। बहुत अच्छा है। हाँ मिर्चे हैं तो अच्छा है। हाँ नहीं लेकिन दही खिलाऊंगी मैं आपको, ज़रूरी है। तो जी बस मैं अब इनको ये फिनिश करवाती हूँ, मेरे हाथ से खा रहे हैं आज ये लोग। क्या आवाज़ नहीं आ रही? मेरे टैब जादू से काम कर रहे हैं। कैसे होते हैं कितना लाउडली खेलते हो भाई? भाई क्या भाई थोड़ी को है ए? क्या हाल चाल है? ओ माय गॉड इतना लाउड। हेलो रियो, हेलो बर्डी। यार मेरे बर्डी देखो क्या हो गया इसको, काटने लग गया ये। ओरियो नो बेबी, बेबी नो, आ जाओ। हेलो ओरियो, अरे अम्मा को पापा कर लो इसको। असल में बच्चों ने ना इरिटेट कर करके ना इस तरह कर दिया, ये इस तरह था नहीं। हेलो बेबी, हेलो आ जाओ। ये देखो अब थोड़ा सा भी यूँ करती हूँ ना मैं, आओ। हेलो ओरियो, हेलो बेबी, कम कम बेबी, कम कम बेबी। टड़ा, हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई। अब मैं इसको छोटे बाउल में कन्वर्ट करूंगी। जितने भी फ्रूट थे ये मैंने जो है ना खजूर रखी हुई थी मैंने वो डाल दिए। और मैंने इसमें जो है चीनी डाली है, सिर्फ थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाली है। और कितनी मज़ेदार जूसी सी बनी है ये देखें, मीठे का बंदोबस्त हो गया मेरा। टर्न। तो जी जरा फिर से हाजिर हूँ अपने शशकों के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज के शशके यानी कि आज की रेसिपी आप लोगों को मज़ेदार शानदार और बकमाल लगी होगी, और थी भी बहुत ही ज़्यादा सुपर डिलिशियस डिलिशियस सुपर इजी रेसिपी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी। हर घर का अपना एक अंदाज होता है, हर इंसान का अपना ही एक टेस्ट होता है, तो क्या पता आज देसी मोम का टेस्ट आप लोगों को भा जाए। तो ज़रूर ट्राई करना और ज़रूर बताना कि कैसी बनी है। तो बस आज का दिन थोड़ा बोरिंग था और इसी वजह से व्लॉग भी थोड़ा मुझे डाउन लग रहा था, लेकिन कोई गल नहीं यार, ऐसा तो होता रहता है हमारे ज़िंदगी में। रोज़ तो हम लोग हल्ला गुल्ला नहीं करते, एक जैसा दिन नहीं होता है, कभी डाउन कभी अप होता है। तो बस कुछ भी हो लेकिन मुझे इसी तरह ही पसंद करते रहें, मुझे इसी तरह ही लाइक करते रहें, मुझे इसी तरह इनक्रेज करते रहें, मेरी इसी तरह ही हौसला अफजाई करते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा स्पेशल लेकर आती रहूं, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं, आपको बताती रहूं, ठीक है। तो बस देसी मोम को इसी तरह ही प्यार देते रहें, देसी मोम के शशके इसी तरह पसंद करते रहें भाई। देसी मोम के शशके हैं कोई घट बात थोड़ी को है, तो उसको पसंद करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोलें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अब खाली आप ही देख के मजे लें ये अच्छी बात थोड़ी को है भाई, पूरी फैमिली को एंजॉय करने का हक है, तो ये हक सबको दो। तो बस अब अपना करने लगी हूँ ब्लॉग एंड।
और ब्लॉग एंड करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों के लिए छोटा सा नोट, एक छोटी सी दुआ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत 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 ज्यादा खुश रखें, आबाद रखें, सेहत वाली लंबी जिंदगी दें, आपके रिस्क में इजाफा करें। यही दुआ आप लोग मेरे लिए क्या करें, मेरी फैमिली के लिए क्या करें। एक छोटे से नोट, एक छोटी सी दुआ के साथ साथ एक छोटा सा अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।